है फिल्म का नाम है चेज, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चेज एक्चुअली जो है इसमें मूवी जो है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर डेडिकेटेड है ये मूवी. एक ट्रू इवेंट हुई थी यहाँ पे 2005 में, एक बैंक रॉबरी हुई थी जिसको बंगाल पुलिस ने काफ़ी साइलेंटली बिना किसी पब्लिक को परेशान किए उस क्रिमिनल को पकड़ा था. कोवर्ट ऑपरेशन, तो कोवर्ट ऑपरेशन था ये वाला. तो इस मूवी इसी को लेके है. जो यहाँ पे पुलिस को डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग इस मूवी को, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि पुलिस को यहाँ पे जो है वो इस काफ़ी भाग दौड़ हुई थी इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, लेकिन आखिरकार वो क्रिमिनल पकड़ा गया था. जिसमें पुलिस का जो है सैक्रिफाइस, उनका मेहनत. एक्चुअली दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज ऑफ बंगाल पुलिस हु क्रैक डाउन सच अ बिग केस. इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी रॉबरी हुई थी, ट्रेन से लूटे गए थे 90 करोड़ बैंक के. तो उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के बाद भी. तो ये सत्य घटना पर हम लोग उन पुलिस अफसरों को हम लोग सलाम करते, उनको डेडिकेट कर रहे जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उन्हें उनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है. उनके डेडिकेशन और सैक्रिफाइस के वो लेके हम डेडिकेट कर रहे हैं उनको मूवी को. ओके जी, साहब में किस तरीके के किरदार में आप लोग हैं इसके बारे में कुछ बताइए. मेरा इसमें जो रोल है वो है नेगेटिव है. इसमें मेरा इसमें रोल का नाम है सत्येंद्र यादव. इसमें जो बैंक रॉबरी होती है उसका जो मास्टर माइंड है वो मैं ही हूँ यहाँ पे. तो पूरे पिक्चर में जो है पुलिस मुझे चेस करती है यहाँ पे. जो कैरेक्टर मैं इस रोल में प्ले कर रहा हूँ वो इस चेज को वो लीड कर रहा है, इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है. वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका नाम है शेख इमरान. तो इस फिल्म में दो तीन आस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं इस कैरेक्टर को लेके. पहला आस्पेक्ट ये है कि उसको इतना बड़ा ऑपरेशन को लीड करने का मौका मिला है और पर एट द सेम टाइम उसकी मजहब को लेकर कुछ डिपार्टमेंट के कुछ लोगों पर उस पर भरोसा नहीं है. तो उसको ये भी प्रूफ करना है कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और इनके उसका मजहब उसके आड़े नहीं आता. इसके अलावा भी और एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके कैरेक्टर में कि वो अपने ड्यूटीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है कि उसको अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं है. सो उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है जिसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है. फिर भी ये भी दिखाया गया है कि बीवी कितनी सपोर्टिव है. कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, आर्मी ऑफिसर्स जो भी घर से दूर होते हैं हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, उनकी फैमिली भी किस तरह से उन्हें सपोर्ट देती है, उनको भी एक कितना बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है इन सब में, ये भी दिखाया गया है इस कैरेक्टर में. ओके जी, साहब किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा? इन आप दोनों के कैरेक्टर काफ़ी अलग अलग हैं. आपका नेगेटिव है, आपका पुलिस का कैरेक्टर है. तो मतलब किन किन चीज़ों को मतलब आपने रेफरेंस लिया, किन किन बातों का ध्यान दिया? एक रियल इंसिडेंट पर कहानी है. देखिए रियल इंसिडेंट पे है इसीलिए ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं करनी पड़ी. कोई ओवर द टॉप एक्शन नहीं है जिसमें कोई गोलियाँ चलना गाड़ियाँ उड़ना इस तरह का कुछ भी एक्शन नहीं है कि मैं अगर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तो दस गुंडों को पीट दिया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है. चूँकि ये एक रियलिटी बेस्ड कहानी है तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में रहना ज़रूरी है एक पुलिस ऑफिसर के, जो रियल लाइफ में है जैसे होता है. तो कुछ रेफरेंसेज मैंने लिए हैं क्योंकि ऐसा कोई एक्टर नहीं शायद बॉलीवुड में जिसने पुलिस का रोल नहीं निभाया हो कभी ना कभी. तो पर उनमें से सबसे फेवरेट है मेरा अक्षय कुमार, जैसा उन्होंने रोल निभाया आन में या खाकी में, तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगा था मुझे. तो वैसा रेफरेंस मुझे हेल्प मिली काफ़ी. सर आपने क्या रेफरेंस लिया आपके किरदार में? इसमें रेफरेंस इन सेंस के रेफरेंस मैंने ऐसा किसी का नहीं लिया है. इसमें मेरा जो बैकग्राउंड है थिएटर का है इसमें. तो इसके लिए हम लोगों ने जब मूवी को जब हम शुरू करने वाले थे उसके पहले काफ़ी हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए हैं, काफ़ी हम लोगों ने एक संग यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के, हम लोगों ने बॉन्डिंग काफ़ी हम लोग की अच्छी रही वर्कशॉप के थ्रू. तो कैमरा के सामने शूटिंग करने के टाइम पे हम लोग ऐसा कुछ ज़्यादा हम लोग को मुसीबत नहीं हुई है. मोर ओवर मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे काफ़ी स्पेस दिया यहाँ पे. स्क्रिप्ट के बाद भी अगर वो बोलते थे अगर तुम कुछ एड ऑन करना है, कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है इस सीन को अच्छा खिलाने के लिए, तो वो भी उन्होंने मुझे लिबर्टी दी वो स्पेस. तो काफ़ी अच्छा रहा. और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा अमित के बारे में कि उन्होंने काफ़ी है तो वैसे वो बंगाल के रहने वाले हैं, पंजाबी बंगाली भी बोलते हैं, पर उन्होंने एक अच्छी एक्सेंट जो वो झारखंड या बिहार की जो एक्सेंट काफ़ी अच्छी एक्सेंट निकाली थी उन्होंने. वो उन्होंने शायद बोलना भूल गए हो पर ये तारीफ़ काबिल है जरूर. ओके जी साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि और क्या क्या लैंग्वेज में कितना काम करना पड़ा आप लोगों को? मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ जो मैं रेगुलर लाइफ में बोलता हूँ. चूँकि मैं बंगाल पुलिस ऑफिसर हूँ, बंगाल में हूँ, तो कोई दो तीन डायलॉग्स कुछ लाइंस बंगाली यूज़ हुए हैं यहाँ पे. मेरा थोड़ा एक्सेंट मुझे थोड़ा भोजपुरी से लेना पड़ा यहाँ पे. तो इंग्लिश हिंदी जैसे सब मिक्सअप था यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे. और जिस तरीके से हमने पोस्टर में देखा झारखंड टू बैंकॉक, इसके बारे में बताइए सर क्या? ये काफ़ी एक्चुअली लोकेशन पर शूटिंग हुई है हमारी. तो जैसे पुलिस मेरे को चेज कर रही है, ये स्टार्ट इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है बंगाल से, इनकी शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन. करते करते फिर झारखंड आते हैं जब पता लगता है कि मैं जो हूँ मेन क्रिमिनल हूँ इस एक्ट के पीछे. तो मैं फिर झारखंड से भागता हूँ नेपाल, फिर वहाँ भी पुलिस पहुँचती, फिर वहाँ से भाग के मैं चले जाता हूँ
बैंकॉक. फाइनली आई गेट अरेस्टेड इन बैंकॉक. हैप्पी एंडिंग होती है बैंकॉक. बैंकॉक तो कैसा रहा शूटिंग बैंकॉक में शूट करने का, नेपाल में, इसके बारे में? बहुत मज़ा आया. काफ़ी लोकेशंस एक्सप्लोर किया हम लोगों ने यहाँ पे, साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी मज़ा आया हम लोग. ट्रैवल करना अगर आपको पसंद है तो ऑब्वियसली इतने अच्छे लोकेशंस में शूटिंग करना, काम के लिए जाना, एक अलग एक्सपीरियंस होता है. घूमने के लिए मैं गया हूँ काफ़ी बार बैंकॉक, पर इस बार शूटिंग करके काफ़ी मज़ा आया. ओके, पहली फिल्म है आप दोनों की जिस तरीके से, तो और इतनी मतलब इतनी अच्छी फिल्म मिली है, इतनी बड़ी फिल्म मिली है, इतनी जिसकी कहानी इतनी अच्छी कहानी, रियलिस्टिक है, रियल ट्रू इवेंट्स, तो मतलब कितना लकी मानते हैं खुद को आप? मैं सच्ची में वो बताऊँ, बहुत लकी मानता हूँ अपने आपको कि एसआर जी ने, सर ने मुझे एक मौका दिया, उन्होंने मेरे पर भरोसा किया इस मूवी के लिए. तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस भी है, पहली मूवी है, रिलीज हो रही है, तो बस आशा करता हूँ कि मूवी हिट हो, पब्लिक को पसंद आए और मुझे पसंद करे पब्लिक. आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे इंतज़ार किया है मैंने. मॉडलिंग से शुरू किया था मैंने अपना करियर और जॉब में भी था. उसके बाद जॉब क्विट करने के बाद मैं फिल्मों में आया, पर मैंने बंगाली फिल्में की जिसमें मोस्टली मैंने नेगेटिव किरदार निभाए, और ये मेरी पहली बॉलीवुड पिक्चर है एज अ हीरो. तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, और साथ में साथ ये भी कहता हूँ कि इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सालों का प्रोसेस है ये, और अभी रिजल्ट देखना बाकी है. ये क्या पता नहीं, मतलब नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ साथ में. ओके, इसी के साथ में और क्या आगे अपकमिंग में आने वाला है, अगर अपकमिंग की अगर बात करी जाए? अपकमिंग में हमारे प्रोजेक्ट्स कुछ आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बातचीत चल रही है उसकी, अभी मैं उसको पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा. बाकी जनता इस मूवी को देखे, फिर हम और आगे अच्छा काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए. और इसके मतलब कुछ वेब सीरीज मतलब नेटफ्लिक्स का जमाना है सर, अमेज़न का, तो मतलब कुछ इस तरीके से भी करते नजर आएंगे आप? ऑफ कोर्स, हम लोग अच्छा प्रोजेक्ट करने का बहुत ये हम लोग एक्साइटेड है, जो भी अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा. चल रही है, हाँ, और मैं काफ़ी पसंद करता हूँ नॉन फिक्शन मूवी जो ट्रू बेस होती है, तो ऐसी मूवीज़ करना मैं या वेब सीरीज जो भी मिले तो करना चाहूँगा. और इससे पहले एसआर जी के साथ मैंने एक फिल्म में काम किया था, उसमें नेगेटिव रोल निभाया था, तो फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, तो होपफुली इस साल वो भी रिलीज़ हो जाएगी एंड में. लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं दर्शकों के बारे में? दर्शकों, मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 अगस्त को अपने नज़दीक के सिनेमाघरों में जाइए, वहाँ पर देखिए पिक्चर को, प्लीज़ डाउनलोड मत करिए. से नो टू पायरेसी. अगर आप इस अगस्त एक फास्ट पेस्ड, अच्छी म्यूज़िक वाली, सत्य घटनाओं पर आधारित एक अच्छे, काफ़ी जितने सारे लोकेशंस एक्सप्लोर किया गया, ऐसी एक पिक्चर देखना चाहते हैं जो आपको बोर नहीं करेगी, एज ऑफ द सीट थ्रिलर, सो देन यू शुड वॉच चेज नो मर्सी टू क्राइम. एब्सोल्युटली. तो और चेज नो मर्सी टू क्राइम 2 अगस्त को जाइए, अपनी नज़दीकी सिनेमा हॉल में देखिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए अपना. थैंक यू सो मच. थैंक यू.